जय जगन्नाथ। परात्पर परमेश्वर प्रभु जगन्नाथंकर उचिष्ट जहाँकु आमे सर्वत्र कुहंती महाप्रसाद, महाप्रभुंकर महाप्रसाद। जेभली महाप्रभुंकर क्षेत्रर महात्म्य रहिछि, प्रभुंकर महात्म्य रहिछि, सेभली प्रभु ग्रहण करिथिबा नैवेद्य महाप्रसादर मध्य अनेक महात्म्य रहिछि। अनेक पुराण शास्त्ररे महात्म्य संपर्करे वर्णना करा जाइछि। जो महाप्रसाद महात्म्य देवता मानक दुर्लभ रही था, कणिकाए महाप्रसाद पर देवता माने व्याकुलता प्रदर्शन करनेक देवदेवी माने चाह रही था महाप्रभुंर उचिष्ट से महाप्रसाद को टिके पाइबापी। जो श्रीक्षेत्र माँ विमला रहीगले केवल महाप्रसाद को ग्रहण करे प्रभु को तपस्या करते मो महाप्रसाद आपणकर कारण शंकर भगवान जितेबले महाप्रसाद को देवर्षि नारद कणिकाए महाप्रसाद पाई से विभोर होते पार्वती माँ पार्वती देखी शंकर भगवान आज एक ही रूप एक ही आनंद बुझु बुझु बुझिले महाप्रसाद कणिकाए पाई बोली एत आनंद कणिकाए महाप्रसाद एत आनंद तपस्यारत हो गले माँ पार्वती। प्रभु संतुष्ट हेले वर प्रदान कले कले तुम्हें ही कलिक जुगरे महाप्रसाद सेवाई श्रीक्षेत्र विमला समर्पण पर माँ प्रसाद महाप्रसाद कहा जाए था। प्रथम माँ विमला समर्पित होता है एपटे जगन्नाथ बढ़ापर विमला समर्पित होगापर महाप्रसाद जो महाप्रसाद कणिकाए पाइले अपरंतु आनंद मिली थाए। जो महाप्रसाद को स्वतंत्र भाव में महालक्ष्मी पाक करी थांती एवं महाप्रभु निजे ग्रहण करी थांती भोजन करी थांती। पृथ्वीर सर्वबृहत पाकशाला रोषशाला जोटी पृथ्वीर सर्वबृहत पाकशाला माँ परिदात्री माँ लक्ष्मी निजे रोषेई करी थांती स्व हस्त रंधन करी थांती से रंधन को महाप्रभु ग्रहण करी थांती आनंद रे भोजन करी थांती से उचिष्ट ही महाप्रसाद। पृथ्वीर ब्रह्म वस्तु दुर्लभ वस्तु तीन गोटे गोटे गंगा जल गोटे ब्रजधूली गोटे महाप्रसाद ये तीनोटी हूँ ब्रह्म वस्तु अत्यंत आनंद एवं भक्ति प्रीति मैत्री सद्भावना जो थे सृष्टि हुए से महाप्रसाद सेवा कले जाति धर्म वर्ण निर्विशेष महाप्रभुंकर महाप्रसाद को समस्ते ग्रहण करते तेणु महाप्रसाद महात्म्य अनेक पुराण वर्णित महाप्रसाद महात्म्य रही स्वतंत्र भाव में वैष्णवाग्नि महाप्रभुंकर अन्न व्यंजन आदि महाप्रसाद स्वतंत्र रोषशाला अनुष्ठित होता है रंधन प्रक्रिया होता है। चाउल आसव अमुणिया चाउल आसवापर से संस्कार पूर्वक वैष्णवाग्नि स्वतंत्र भाव में स्वतंत्र सेवक पाक करते रोष करते जहाँ पौराणिक किंवदंती कह जाए माँ लक्ष्मी निजे रोष करते तेणु महाप्रसाद को कणिकाए पाइबापी निश्चित भाव में समस्त मन भितर व्याकुलता थाए जी भी आसे महाप्रसाद को सेवा करें एवं महाप्रसाद होती अन्न ब्रह्म से अन्नत्व विलोप ही ब्रह्मत्व प्राप्ति होती महाप्रभुंकर उचिष्ट श्रीक्षेत्र अन्न ब्रह्म बोली प्रणाम करती स्वतंत्र भाव में ब्रह्मत्व प्राप्ति महाप्रभु करी थांती कारण विविध प्रकार संस्कार करा जाए श्रीजंत्र उपरे वैष्णवाग्नि नानादि प्रकार उपचार रे महाप्रभुंकर महाप्रसाद महाप्रभु ग्रहण करथिबारु सी होउछि दुर्लभ देव दुर्लभ महाप्रसाद। जो प्रसाद को आसन रे बसी खाइबा अनुचित कारण सी निजे ही ब्रह्मस्वरूप तेणु सेवा करिबा महाप्रसाद सेवन करिबे तले बसिकि कौन से आसन पड़िबो नाही महाप्रसाद खाई कुलकुचिया करे ना हाथ धोबे ना तेणु महाप्रसाद को जी भी सेवा करी मुक्ति पाई मोक्ष पाई महाप्रसाद सेवा करी ए जीवन रु मुक्ति मिली थाए मोक्ष मिली थाए कैबल्य निर्माल्य महाप्रसाद रु ही थाए महाप्रभुंर तेणु महाप्रसाद को दुर्लभ महाप्रसाद को सेवा कले निश्चित भाव मन को आनंद सहित मुक्ति मोक्ष प्राप्ति होता है परम पावन क्षेत्र में तेणु महाप्रसाद महात्म्य अवर्णनीय जेमती महाप्रभुंर लीला को अवर्णनीय महाप्रभुंर क्षेत्र अवर्णनीय
महात्म्य से भली महाप्रभुंकर महाप्रसाद अवर्णन्य केही भी वर्णना करि पारि नांती आचंडल ब्राह्मण समस्त एकत्रित बसी महाप्रसाद सेवार करिबा विधान मध्य रही थाए परम पावन क्षेत्र रे। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।